क्या पूरा देश मांग करता है कि कश्मीरी पंडितों के लिए उसी तरह का जांच जिस तरह से नरेंद्र गोधरा पे हुआ था, जिस तरह से गुजरात में हुआ था, उसी तरह का जांच जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए? कौन मांग करता है? इस देश का कौन और नेता है? पांडे जी, जिस तरह से नियाज खान जो आईएएस ऑफिसर हैं, मध्य प्रदेश कैडर के ऑफिसर हैं, कहते हैं कि मुसलमान कोई कीड़े नहीं हैं, अगर हिंदुओं के ऊपर द कश्मीर फाइल्स बन सकती है तो मुसलमानों पर जहां पर हत्याएं हुई हैं उन पर भी फिल्में बननी चाहिए, कैसे देखते हैं? सबसे पहला मस्जिद कहां बना था वर्ल्ड में? भारत में। भारत के में जब आए थे दूसरे धर्म के लोग तो कहे कि हमको इतनी ज़मीन चाहिए, भारत ने कहा हमको तुम्हारी धर्म की सुरक्षा करनी है, और तुम कह रहे हो कि कीड़े मकोड़े। अरे तुमको उन कश्मीरी लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, अगर सच्चे आईएएस हो, अगर भारत माँ के बेटे हो, तुमने इस भारत के संविधान का शपथ लिया है तुमने, या कि हम सबको समान दृष्टि से देखेंगे, तो कहाँ से मुसलमान और हिंदू आ गया? कौन आईएएस हिंदू मुसलमान करता है? सबको समान दृष्टि से हमारा संविधान देखता है? इसका मतलब तुम सब संविधान को नहीं मानते हो। और मैं पूछता हूँ नियाज खान, तुम ये बताओ कि कश्मीरी पंडितों ने क्या किया था? वो देश मांग रहे थे, वो आज़ादी के नारे लगा रहे थे, वो कोई मस्जिद तोड़ रहे थे, कश्मीरी लोगों को मार रहे थे, भगा रहे थे, उनकी बहन बेटी के साथ बलात्कार कर रहे थे, कौन सा कुकर्म कर रहे थे? ठीक है, कश्मीरी लोग पाकिस्तान से AK-47 सारा सामान लेके आए, तुमको आज़ादी लेनी थी तो आज़ादी तुमको भारत से लेनी थी कि हिंदुओं से लेनी थी? प्रश्न तो यहाँ है ना। कश्मीरी हिंदुओं से आज़ादी चाहिए था कि इस देश से आज़ादी चाहिए था? तुम लेके आए राइफल बंदूक आज़ादी के नाम पे, और मारे किसको, भगाए किसको? तुम सेना से लड़ते, आमना सामना करते, इस भारत सरकार से लड़ते, जम्मू कश्मीर की सरकार से लड़ते क्या? तो अगर कश्मीरी हिंदू उसका विरोध करता तब तुम्हारा जायज बनता कि हाँ ये लोग विरोध कर रहे हैं, तब इनके साथ उत्पीड़न होता, लेकिन उन्होंने अपोज भी नहीं किया भाई, उन्होंने विरोध नहीं किया, तुम्हारे साथ बने रहे, तुम्हारे संस्कृति के साथ बने रहे, तुम्हारी विचारधारा के साथ बने रहे, तुम्हारे साथ गलबहियाँ करते रहे, तुमको अपना भाई मानते रहे, और मिला क्या बदले में? तो नियाज खान पहले ये बताओ कि यानी कि मतलब तुमको इस आज़ादी का, तुम्हारे आज़ादी का मतलब भारत से आज़ादी नहीं है, इस देश से आज़ादी नहीं है, हिंदुओं से आज़ादी है, यही ना साबित होता है? क्या मतलब है इसका? नियाज खान जो आईएएस ऑफिसर है उनका कहने का मतलब ये है कि जो अगर हम बात करें जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के ऊपर द कश्मीर फाइल्स आई, वैसे जहां पर मुस्लिम प्रताड़ित थी उन पर भी मूवी बननी चाहिए, उनका ये कहना मतलब। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर का ऐसा कहना कैसे आप देखते हैं? नहीं, एक बात बताइए, कैसे मुस्लिम, कहां मुस्लिम प्रताड़ित हुआ? गुजरात में बार बार देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गोधरा पर भी मूवी बननी चाहिए। अब मैं तुलना करता हूँ, क्या अयोध्या से कार सेवक ट्रेन से जा रहे थे, उन 62 कार सेवकों को जबरदस्ती आग लगा के जला देना कौन किया भाई? कोई हिंदू किया, कोई आरएसएस वाला किया, कोई भारतीय जनता पार्टी का किया? वो जो वीडियो आया और जो मिला, एक बात बताइए, इस तरह का कांड कहाँ हुआ? अगर वह नहीं होता तो गुजरात में कांड होता? तो करोगे तुम और विक्टिम कार्ड भी खेलोगे? बताओ ना, इस तरह से कहाँ हिंदुओं ने किया है, कहीं किया क्या कि चलती हुई ट्रेन में मुसलमानों को आग लगा दिया? लेकिन हाँ, इस देश में लगातार चल रहा है भाई साहब, यह कोई नई बात नहीं है। मैं पूछता हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में गए थे, संसद में बयान था, क्या बयान था? एक प्रधान, एक निशान और एक संविधान इस देश में रहना चाहिए, दो विधान, दो प्रधान और दो संविधान नहीं चलेगा, यही मांग रहे ना? तुम कहते हो हम भारतीय हैं, यह नियाज खान भी कहता है भारतीय हैं, उसी संविधान का शपथ लेता है, और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इसी देश में उस काम के लिए जाना पड़ता है कि दो संविधान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेगा। होता क्या है उनके साथ? जम्मू कश्मीर में मार दिए जाते हैं। इसी देश में हमारे आज के प्रधानमंत्री को अपना तिरंगा फहराने के लिए लाल किले पर संघर्ष करना पड़ता है।
और किसकी सुरक्षा में तिरंगा फहराया जाता है? हजारों सैनिकों के बीच में किसका डर है भैया? नियाज खान जी आप बता देंगे किसका डर था। मुरली मनोहर जोशी रथ पे थे और उनके रथ के संचालक थे माननीय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी। याद करिए उस दिन को, उसी समय की बात है। उसी लाल चौक पे सिर्फ तिरंगा फहराना था 26 जनवरी को। 26 जनवरी और 15 अगस्त को इसी देश में झंडा नहीं फहरा सकते? आपको इस देश में दो संविधान, दो विधान और दो प्रधान चाहिए क्यों भाई? लेकिन पांडे जी, मैं द कश्मीर फाइल्स में आना चाहूँगा। इस मूवी को लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई कि अगर बात करें तो जो लेफ्टिस्ट हैं वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस मूवी को कहते हैं पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा है, ये सब झूठ पर आधारित मूवी है, इसमें कोई भी तथ्यात्मक चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, तथ्यात्मक चीज़ ही नहीं है तो जब वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जनगण मन नहीं गाएंगे तो वह फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक ना? हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो भैया 5,000-15,000 कश्मीरी लोगों का इंटरव्यू लेके उस पर फिल्म बन गई तो उस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होना चाहिए? उनका कोई बना, इसका मतलब कि जो प्रताड़ित है, 5 लाख कश्मीरी हिंदू प्रताड़ित होकर अपने घर से निकल गए, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनकी संपत्ति को लूट लिया गया, वह आज टेंटों में पड़े हुए हैं, दर दर के मारे भटक रहे हैं, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई नहीं है? उनका ह्यूमन राइट कुछ कोई नहीं है? सिर्फ इनका है जो जेएनयू में पढ़ेंगे, जो इनका है जो तथाकथित लिबरल गैंग है। ये कौन सा दोगलापंथी है भाई? आज कोई बॉलीवुड नहीं आ रहा है, आज कोई अमिताभ बच्चन नहीं आ रहे हैं, किसी के थाली में छेद नहीं हो रहा है, आज कोई शाहरुख खान नहीं निकल रहा है, आज कोई सलमान खान नहीं निकल रहा है, आज आमिर खान के मुंह से कोई वो तथा जो बहुत बड़े बड़े टीवी शोज करते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो भाई? वही मैं कह रहा हूँ, चिंता वही है कि कश्मीरी हिंदुओं ने कुछ नहीं बिगाड़ा था। उनको न देश चाहिए था, न अलग संविधान चाहिए था, न अलग झंडा चाहिए था। वह कश्मीर की संस्कृति में हिंद, यही गंगा जमुना, असली गंगा जमुना वही था। उनके साथ रह रहे थे, उनको कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन बंदूक लाके उनको खदेड़ दिया गया। यानी कि इस देश में जहां ये तथाकथित विशेष समुदाय के लोग संख्या में ज़्यादा रहेंगे, इनकी दुश्मनी सीधे सीधे बहुसंख्यक से है। अब समझ में आ रहा है कि जिन्ना ने देश का बंटवारा क्यों कराया। जो देश, देखिए फिल्में बहुत सारी बननी चाहिए, अभी यह पहला पड़ाव है, यह शुरुआत है, अभी बीजारोपण हुआ है इस पौधे का। मोपला कांड हुआ था केरल में, 70 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कारण क्या था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना कराए थे, 1.5 लाख हिंदुओं का पलायन हुआ, आज भी वह झारखंड में जाके बसे हुए हैं, जो ममता बनर्जी बहुत चिल्ला रही हैं कि इस फिल्म को नहीं देखना चाहिए। कहिए ना, बंगाली में ही बना के दिखा दें, ठीक है जम्मू कश्मीर ना दिखाया जाए, लेकिन तुम्हारे घर में जो कांड हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे में, जिसमें लाखों हिंदू मारे गए थे, बनाओ ना फिल्म, बननी चाहिए कि नहीं? क्या इस देश को, देश के इतिहास को जानने का, सच्चाई जानने का अधिकार नहीं है? क्या कारण है भाई, क्यों यह देश, इस देश की, इस देश में इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं उसको जानने का अधिकार नहीं है? क्या 14-15 लाख लोग इस देश के बंटवारे में अगर मार दिए जाते हैं तो उस पर फिल्म नहीं बननी चाहिए? पंडित जी, एक सवाल है कि जो उमर अब्दुल्ला हैं वो कहते हैं कि मेरे पिता को बेवजह इस मूवी की वजह से बदनाम किया जा रहा, मेरे पिता की इसमें कोई गलती नहीं है। फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। हाँ, सवाल ही यहाँ भाई साहब। आज इनको कश्मीरी पंडित वापस, हम अगर इधर कश्मीरी फाइल नहीं आता तो पंडितों को लाते, हमारे पिता की कोई गलती नहीं है। 370 किसके वजह से लगा था वहाँ, जो अब हटा है, और 370 पे इनका क्या बयान था? यह सारे घटना के पीछे वही कारण है भाई साहब, यही 370 है कि 370 कोई हटा नहीं पाएगा, हम अपनी मर्जी से करेंगे। क्या महबूबा मुफ्ती ने नहीं कहा था कि अगर 370 हटाया जाएगा तो यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा? और तुम कहते हो हम भारतीय हैं, हम इस संविधान से प्रेम करते हैं, हम यहाँ के बहुसंख्यक से प्रेम करते हैं, और बाइट क्या आता है, बयान क्या आता है कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा? क्या मतलब, इसके बाप क्या कहे थे
इसके बाप क्या कहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी अगर 10 बार भी प्रधानमंत्री होंगे तो 370 हटा नहीं सकते। क्यों भाई, तुमको तो खुशी मनाना चाहिए। अगर सच्चे माँ भारती के लाल हो, भारत के संविधान से प्रेम है, अगर सच्चाई देश के साथ रहना चाहते हो तो तुम कहते 370 हटा के नरेंद्र भाई मोदी ने आज 2-3 करोड़ आबादी है जम्मू कश्मीर की, आज पूरे भारत के साथ हमको गले लगा लिया, ये बयान होना चाहिए ना। ये बिट्टा कराटे को आतंकवादी घोषित करते, जितने वहाँ जो वहाँ आतंकवादी जो असली कांड थे, जो संगठन में थे लोग, जो यह कांड काम किए, जो आतंकवाद जानबूझ के सामने सामने बयान वहाँ बाइट दे रहे हैं ये सब, और उसको कांग्रेस अपने गोद में बिठा के खिला रही है। मनमोहन सिंह के साथ फोटो है, सोनिया गांधी के साथ फोटो है, राहुल गांधी इसका जवाब देंगे। इनके खिलाफ आतंकवादी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? फारूक अब्दुल्ला के समय, फारूक अब्दुल्ला ही उस समय, इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर सच्चे माई के लाल होते, अगर 5 लाख हिंदुओं से इतना ही प्रेम था तो तुम्हारा सबसे पहला बयान यह होना चाहिए कि मैं भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री और भारत के संसद से इसका निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूँ। तब न कहा जाता कि हाँ तुम कश्मीरी हिंदुओं के साथ हो। ये असली जायज बात होती अगर देश से प्रेम होता, हिंदुओं से प्रेम होता, इस मातृभूमि से प्रेम होता, इस देश की एकता और अखंडता और गंगा जमुना तहजीब से प्रेम होता। सच्चा राष्ट्रभक्त वही है जो इसकी जांच की मांग करे, चाहे हिंदू के साथ हो, चाहे मुसलमान के साथ हो, किसी के साथ हो। क्या एक चीज़ बताइए, गोधरा की बात सारे लोग करते हैं, गोधरा में जाँच नहीं हुआ? हमारे प्रधानमंत्री 14-14 घंटा बैठाए नहीं गए? हमारे गृहमंत्री को अपने प्रदेश से तड़ी पार नहीं किया गया? आग में तप करके और वो लोग निकले हैं। क्या पूरा देश मांग करता है कि कश्मीरी पंडितों के लिए उसी तरह का जांच जिस तरह से नरेंद्र गोधरा पे हुआ था, जिस तरह से गुजरात में हुआ था, उसी तरह का जांच जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए? कौन मांग करता है? इस देश का कौन वह नेता है? मैं आज मांग करता हूँ।